नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में हमने ये FIR दर्ज की। माल का मतलब है ऑब्जेक्टिफिकेशन, माल का मतलब है कि मैं किसी की प्रॉपर्टी हूँ जो मैं नहीं हूँ। मेरे पास दो पर्याय थे, एक कि मैं चुप बैठ के अरविंद सावंत के बयान को सुनूं। संजय राउत जी, 3 पीढ़ी से मेरे परिवार दक्षिण मुंबई में काम करते आ रहे हैं, मैं आपकी लाड़की बहन थी, आज मैं इम्पोर्टेड माल बन चुकी हूँ। जो आपको आपत्ति नहीं है माल जैसे शब्दों का, तो आपकी मनस्थिति स्पष्ट होती है, हमारी नहीं। मैंने कभी कोई कॉन्ट्रोवर्सी, कोई लालचन, कोई टिप्पणी, कोई FIR तक नहीं दर्ज किया है। लेकिन जब आप मुझे ऐसे डिसमिस करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको मुँह तो जवाब मिला है, इसलिए शायद आपने आज 30 घंटे बाद माफ़ी मांगी। कि अरविंद सावंत माफ़ी मांग रहे हैं और संजय राउत बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं। क्या है ऑफिशियल स्टैंड महाविनाश आघाड़ी का? कल नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में हमने ये FIR दर्ज की। भारतीय न्याय संहिता के निमित्त सेक्शन 79, सेक्शन 356(2) आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। सवाल ये उठता है कि क्यों एक महिला जो सार्वजनिक राजनीति में रही है 20 साल, मेरे पास दो पर्याय थे, एक कि मैं चुप बैठ के अरविंद सावंत के बयान को सुनूं जहां वो बोलते हैं कि मैं इम्पोर्टेड माल हूं, उनके बगल में अमीन पटेल खड़े हैं जो वहां के आमदार हैं और वो हंस रहे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या अमीन पटेल ये बयान देते हैं उनकी बहन या उनकी माँ के लिए या उनके कौम के लिए या उनके कोई वोट बैंक के लिए जहाँ से उनकी उम्मीदवार खड़ी थी? आपको चर्चा करना है तो मुद्दे पे। और आज मैं उबाटा सेना को पूछना चाहती हूँ, संजय राउत के स्टेटमेंट पे जहाँ वो बोलते हैं कि माफी मांगनी नहीं वो इम्पोर्टेड है। संजय राउत जी, 3 पीढ़ी से मेरे परिवार दक्षिण मुंबई में काम करते आ रहे हैं, मैंने सब सबूत दिखाया है डेट्स के साथ जहां मैंने अरविंद सावंत के लिए कैंपेन किया 2014 से 2019 तक, तब मैं आपकी लाड़की बहन थी, आज मैं इम्पोर्टेड माल बन चुकी हूं। मैं पूछना चाहती हूं संजय राउत जी को, जो आपको आपत्ति नहीं है माल जैसे शब्दों का, तो आपकी मनस्थिति स्पष्ट होती है, हमारी नहीं। एक महिला जो राजनीति में है 20 साल से, मैंने कभी कोई कॉन्ट्रोवर्सी, कोई लालचन, कोई टिप्पणी, कोई FIR तक नहीं दर्ज किया है। लेकिन जब आप मुझे ऐसे डिसमिस करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको मुँह तो जवाब मिला है, इसलिए शायद आपने आज 30 घंटे बाद माफी मांगी। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं और संजय राउत बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं। तो क्या है ऑफिशियल स्टैंड महाविनाश आघाड़ी का? क्या है ऑफिशियल स्टैंड नाना पटोले, शरद पवार, उद्धव ठाकरे का? क्या है ऑफिशियल स्टैंड संजय राउत का खुद? मैं पूछना चाहती हूं कि जब बयानबाजी होती है, जब इलेक्शन का माहौल है, तो काम के ऊपर बात कीजिए, बोलिए कि आप क्या काम कर चुके हैं, खासदार हो या आमदार, मुंबा देवी के लिए क्या क्लस्टर रीडेवलपमेंट हुए हैं, क्या BIT चाल का रीडेवलपमेंट हुआ है, क्या आपने कमाटीपुरा का प्लान भी प्रपोज किया है? ये सभी चीजों का जवाब है नहीं। और फिर आप टारगेट करते हैं एक महिला को और फिर आप माफी मांगते हैं 30 घंटे के बाद, जब FIR दर्ज होती है, जब नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में कॉग्निसेंस देते हैं, तब आप माफी मांगते हैं और संजय राउत कहते हैं कि अरे क्यों माफी मांग रहे हैं, ये तो इम्पोर्टेड माल है। माल का मतलब है ऑब्जेक्टिफिकेशन, माल का मतलब है कि मैं किसी की प्रॉपर्टी हूं जो मैं नहीं हूं। मैं एक महिला हूं लेकिन मैं माल नहीं हूं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। एकमात्र मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने लाड़की बहन योजना में महिलाओं को एक चांस दिया, सक्षम महिला हो या कोई अंडर प्रिविलेज, सबको मिला है मौका। हमारे मुंबा देवी क्षेत्र में 40,000 लाभार्थी है लाड़की बहन योजना के, जिसमें से 15,000 मुसलमान है।
उन्होंने मौका दिया, प्रधानमंत्री ने मौका दिया, और ये महाविनाश अगाड़ी वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ टिप्पणी पे टिप्पणी। मैं बोलना चाहती हूं कि जो भी नेतागण विपक्ष में है वो चुप क्यों है? जब कोई भी कंट्रोवर्सी होता है कोई भी महिला नेता का, और आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए 20 साल का, मैंने हमेशा उनका पक्ष लिया है। जब वो टारगेट होती है उनका पक्ष लिया है, प्रियंका चतुर्वेदी हो या सुप्रिया सुले, हमेशा उनका पक्ष लिया है, क्योंकि द कॉज ऑफ वुमेन इज मच मच बिगर। और आज वो सब चुप बोलते हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं तो कहूंगी कि माँ मुंबा देवी की बेटी हूं, लड़ूंगी और जीतूंगी, क्योंकि मुंबा देवी का साथ है, महिलाओं का साथ है, और सभी जानते हैं कि कौन है महिला के सम्मान के लिए और कौन है खिलाफ। ये वही संजय राउत है जो दो दो घंटे में मीडिया को बाइट देते हैं, लेकिन जहां तक महिला का सम्मान है उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते हैं। मैं जितना कहूं उनके बारे में शायद वो रिसर्च आपके पास भी है, लेकिन आज के दिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ऑफिशियल स्टैंड उबाटा सेना का क्या है? अरविंद सावंत माफी मांगते हैं, संजय राउत माफी नहीं मांगते हैं। क्या आप महिला का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आपको मां मुंबा देवी का खौफ है या नहीं है? और जहां तक अमीन पटेल का सवाल है, जब वो हंस रहे हैं क्या वो हंसते जो मैं उनके कौम की थी या उनके बिरादरी की थी या उनके वोट बैंक की थी या उनके रिश्ते में थी? बताइए, सच बताइए। सत्यमेव जयते।